दोस्तों क्रिकेट और फुटबॉल से जुड़ी खबरों के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इस घंटे को भी दबा देना ताकि आपको सबसे पहले खबर पता चले। हेलो दोस्तों, मैं हमी रडअप केमिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आ गया हूँ एक और नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दिल्ली डायनामोज के बारे में और थोड़ा बहुत डिस्कस भी कर दूंगा 2017-18 के ISL के बारे में कि दिल्ली डायनामोज का टीम कैसा रहेगा। तो दोस्तों जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिल्ली डायनामोज के प्लेयरों के नाम फटाफट बता देता हूँ। और दोस्तों आप अगर दिल्ली डायनामोज के प्लेयरों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो दोस्तों उसके लिए मैंने वीडियो बनाया था और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, आप चाहे तो देख लीजिए। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली डायनामोज का प्लेइंग 11 क्या रहेगा फील्ड पर और उसके बाद थोड़ा बहुत डिस्कस भी कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूँ कि दिल्ली डायनामोज के कौन सा प्लेयर है। तो दोस्तों दिल्ली डायनामोज का 3 गोलकीपर है। पहला है अल्बिनो गोम, सुखदेव पटेल और अर्णव दास शर्मा। तो दोस्तों ये तीनों गोलकीपर ही बहुत ही अच्छा गोलकीपर है और इनमें से अल्बिनो गोम्स उनका तो कुछ जवाब ही नहीं है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो दोस्तों ये था गोलकीपर के बारे में। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं डिफेंडरों के बारे में। तो दोस्तों दिल्ली ने अपना डिफेंडर साइड बहुत ही उम्दा बनाया है। तो दोस्तों दिल्ली ने अपना डिफेंस में शामिल किया है प्रीतम कोटाल, सेना राउल्ट, ग्राबियल सिकोरी जो एक विदेशी प्लेयर है और वेनेजुएला से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है एडू मोवा, ये भी विदेशी प्लेयर है, स्पेन से बिलोंग करते हैं। इनके बाद है प्रतीक चौधरी, मोहम्मद साजिक डॉट, रोलिनसन रॉड्रिगस। उसके बाद है सिमरनजीत सिंह, जयनंद सिंह, मुनमुन लुगुन और किशन सिंह। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि दिल्ली का डिफेंसिव साइड बहुत ही लंबा है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पर है प्रीतम कोटाल, सेनाडॉल, ग्राबियल, एडुमोआ, प्रतीक चौधरी और जयनंद सिंह, सिमरनजीत सिंह, वे बहुत सारे बड़े बड़े डिफेंडरों को शामिल किया है दिल्ली ने अपने डिफेंसिव साइड में। तो दोस्तों दिल्ली का डिफेंसिव साइड बहुत ही मजबूत है और बड़े बड़े अटैक को भी रोक सकता है इस तरह के डिफेंसिव साइड। तो दोस्तों ये था दिल्ली के डिफेंसिव साइड। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं मिडफील्डरों के बारे में। तो दोस्तों दिल्ली ने अपने मिडफील्डर में शामिल किया है फॉलिनहो डायस जो एक विदेशी प्लेयर है और ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं। उनके बाद है मैटियास मिराजे जो उरुग्वे से बिलोंग करते हैं और उनके बाद है डेविड नगेट, रोमियो फर्नांडिस, विनीत राय, सीतासेन सिंह और नंद कुमार। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि दिल्ली के डिफेंस साइड बहुत ही मजबूत है, लेकिन दोस्तों उतना नहीं है, और भी प्लेयर शामिल करने की ज़रूरत है दिल्ली को। लेकिन दोस्तों इसमें रोमियो को शामिल किया है, वो बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस देता है। पॉलिनहो जो ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं वो भी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो दोस्तों मिला जुला कर इसका जो मिडफील्डर साइड है बहुत ही उम्दा है। लेकिन दोस्तों दिल्ली को और भी मिडफील्डर शामिल करने की ज़रूरत था अपने स्क्वाड में, लेकिन दोस्तों क्या कर सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद बात कर लेते हैं फॉरवर्ड के बारे में। तो दोस्तों फॉरवर्ड में शामिल किया है दिल्ली ने लिलियन ज्वाला छोंग जो भारत से ही बिलोंग करते हैं, और उसके बाद है कालू योको जो विदेशी प्लेयर है और नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है गायन फर्नांडेज जो नेदरलैंड से बिलोंग करते हैं, और उनके बाद लास्ट में है जेरोइन लुमू जो भी नेदरलैंड से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि दिल्ली ने अपने फॉरवर्ड में सिर्फ 4 फील्डरों को लिया है, लेकिन दोस्तों इसमें और भी फील्डर लेने की ज़रूरत था दिल्ली को अच्छा के। हालांकि यहाँ पर अटैकिंग की बात है, फॉरवर्ड के प्लेयर जो अटैक में काम आता है, तो दोस्तों मुझे लगता है कि दिल्ली को और भी फॉरवर्ड प्लेयर शामिल कर लेना चाहिए था। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि दिल्ली ने बहुत सारे डिफेंडरों को शामिल किया है अपने स्क्वाड में, मिडफील्डर भी कम कर दिया है, फॉरवर्ड में भी कम कर दिया है फील्डरों को। तो दोस्तों मुझे इस टीम का बैलेंस थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। मुझे लगता है कि डिफेंसिव जो साइड बना है उसमें से थोड़ा कम प्लेयर ले लेता और मिडफील्डर और फॉरवर्ड, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस नहीं है इस टीम में, और भी बैलेंस करने की ज़रूरत है इस टीम में। तो लेकिन दोस्तों चलिए दोस्तों अगर देखा जाए ओवरऑल टीम तो एक अच्छा टीम है और बड़े बड़े प्लेयर भी है इसमें, तो दिल्ली एक अच्छा टीम है इस बार। लेकिन दोस्तों मुझे कुछ कुछ कमी आपको मैं जो बताया वो भी है इस टीम में। तो चलिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 जो फील्ड पर रहेगा, 11 प्लेयर उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों दिल्ली का जो फॉर्मेशन होगा वो होगा 4-5-1। तो दोस्तों पहले गोलकीपर और डिफेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों गोलकीपर में रहेगा अल्बिनो गोम्स। दोस्तों अल्बिनो गोम आईजोल लीग में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देकर अब ISL में दिल्ली के तरफ से गोलकीपर के रूप निभाएगा। तो दोस्तों मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि दिल्ली गोम्स को ही गोलकीपर में रखेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले साल के परफॉर्मेंस और उसके आगे के परफॉर्मेंस देखा जाए गोम्स के तो बहुत ही उम्दा रहा है, और ISL का जो बेस्ट गोलकीपर है उनमें से गोम्स भी एक आता है। तो दोस्तों दिल्ली अपने जो गोलकीपर के जगह है वहां पर गोम्स को सबसे पहले रखेगा।
इनके बाद राइट बैक में होगा प्रीतम कोटाल। तो दोस्तों दिल्ली ने प्रीतम कोटाल को साइन कर लिया है और कोटाल एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। 2015 में इंडिया के नेशनल टीम में डेब्यू किया था और तब से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं और दिन ब दिन अपने खेल में सुधार ला रहे हैं और भी बेहतर होते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो दोस्तों दिल्ली इस यंग स्टार को जरूर मौका देगा राइट बैक में। और इसके बाद बात कर लेते हैं सेंटर बैक में। तो दोस्तों सेंटर बैक में रहेगा रॉलिंसन रॉड्रिगोस और ग्रैबियल सिकोरी। तो दोस्तों इस बार रॉड्रिगोस दिल्ली के तरफ से खेलेगा और इससे पहले गोवा और मुंबई के तरफ से भी खेल चुके हैं आईएसएल में रॉड्रिगोस। सेंटर बैक पर ये बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है और इनके पास एक्सपीरियंस भी है, तो सेंटर बैक पे ही रहेगा रॉड्रिगोस। और दूसरा सेंटर बैक पे होगा ग्रैबियल। दोस्तों ग्रैबियल अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं और मेसी जिन क्लब से खेलते हैं उस क्लब से ही ग्रैबियल ही खेलते हैं, तो ग्रैबियल सेंटर बैक पे ही रहेगा दिल्ली के तरफ से। और इसके बाद सेंटर बैक पे होगा सेना राहुल। तो दोस्तों फॉर्मर मुंबई सिटी का डिफेंडर इस बार दिल्ली के तरफ से खेलेगा और मुंबई के तरफ से खेलते हुए जबरदस्त इंपैक्ट दिया था और उनको जरूर लेफ्ट बैक में ही जगह देगा दिल्ली। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं कि मिडफील्डर में कौन कौन रहेगा। तो दोस्तों अटैकिंग मिडफील्डर पर रहेगा मैटियास मिराजेस। दोस्तों मैटियास उरुग्वे से बिलोंग करते हैं और इस बार अपना पहला आईएसएल खेलेगा। दोस्तों इनको सब लोग नहीं जानते हैं लेकिन दोस्तों मैटियास उरुग्वे के पेरू यूनियन कमर्सियो जो क्लब है वहां पर रेगुलर एक खिलाड़ी है और इनका जो अटैकिंग मिडफील्डर में पोजीशन है बहुत ही उम्दा वहां पर परफॉर्मेंस करते हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि दिल्ली की तरफ से भी खेलते हुए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा और दिल्ली उन्हें ज़रूर मौका देगा अटैकिंग मिडफील्डर में। और दोस्तों इनके बाद डिफेंसिव मिडफील्डर पर रहेगा पेनिलो डायस। तो दोस्तों पेनिलो ब्राज़ील का एक बहुत ही उम्दा मिडफील्डर है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है मिडफील्डर में रहकर। हालांकि इस साल बहुत ही कम खेला है लेकिन दोस्तों रेगुलर एक स्टार है अपनी क्लब का। इनके बाद लेफ्ट मिडफील्डर पर होगा सीतासेन सिंह। दोस्तों सीतासेन बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है और इनके पास उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है लेकिन दोस्तों एक यंग स्टार है और बहुत सारे एबिलिटी और कंसिस्टेंसी से खेलते हैं अपने जगह पर और अपने रोल बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। तो दोस्तों दिल्ली इस न्यू फेस को जरूर एक मौका देगा लेफ्ट मिडफील्डर पर। इनके बाद सेंटर मिडफील्डर पर होगा सिमरनजीत सिंह। दोस्तों सिमरनजीत एक पर्टिकुलर खिलाड़ी है इंडियन क्लब का और मिनर्वा पंजाब क्लब से भी खेल चुके हैं, 2 साल आई लीग में भी खेला है। तो दोस्तों इनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है और मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली इन्हें जरूर सेंटर मिडफील्डर पर एक मौका देगा। और इनके बाद राइट मिडफील्डर पर होगा रोमियो फर्नांडेज। दोस्तों रोमियो को तो आप लोग सब लोग जानते ही होंगे, पिछले साल गोवा के तरफ से खेलते हुए जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया था और रोमियो के पास वो सारे गुण है जो एक विंगर पर होना चाहिए। तो दोस्तों दिल्ली उन्हें जरूर राइट मिडफील्डर पर रखेगा और रोमियो ठीक समय पर बॉल लेकर गोल भी मार देगा। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं फॉरवर्ड के एसटी स्ट्राइकर पोजीशन पर कौन रहेगा। तो दोस्तों वहां पर रहेगा कालू योके। दोस्तों आपको जरूर लग रहा होगा कि कालू इंडिया का है लेकिन दोस्तों कालू नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं और एक 5 फीट 10 इंच एक बहुत ही उम्दा स्ट्राइकर है और इनका जो बॉल पर बैलेंस है वो बहुत ही उम्दा है, बहुत ही अच्छे तरीके से बॉल को बैलेंस करते हैं और बहुत क्विक भी है। तो दोस्तों इन्हें दिल्ली जरूर अपना टारगेट मैन बनाएगा गोल मारने के लिए। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से दिल्ली का प्लेइंग 11 और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्लेइंग 11 से मिलती जुलती प्लेइंग 11 आपको फील्ड में भी देखने मिलेगा। तो दोस्तों आप सब लोगों को पता होगा कि दिल्ली 2 बार सेमीफाइनल नॉकआउट तक पहुंच चुका है। दिल्ली अपने पहले सीजन पर जर्नी खत्म किया था 5 नंबर पोजीशन पर, दूसरे सीजन में 4 नंबर और पिछले साल यानी कि सीजन 3 में खत्म किया 3 नंबर पर। तो दोस्तों आप सब लोग देख सकते हैं कि दिल्ली हर साल एक कदम आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों इस साल भी हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली एक अच्छा परफॉर्मेंस देगा और टीम भी बहुत अच्छा बनाया है। तो दोस्तों हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार भी और एक कदम आगे बढ़ेगा दिल्ली। और दोस्तों आप अगर दिल्ली के शेड्यूल यानी कि कौन से तारीख पर कौन से टीम के साथ कहां पर मैच होगा सब अगर जानना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो का अगर देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है और उस वीडियो को देखकर आप चार्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। दिल्ली के स्पेशल जो शेड्यूल है उसका चार्ट मैंने बनाया था, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग जरूर उस वीडियो को भी देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दे दिया है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए और दोस्तों वीडियो देखने के बाद जरूर लाइक ठोक दीजिए और मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो रेडी करता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक और दोस्तों आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकल के वीडियो को देखने के लिए और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का ही चैनल है एमएससी यूट्यूब जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं दुआ करता हूँ कि आप स्वस्थ रहे और इसी तरह से हमारे वीडियो देखते रहे। अभी के लिए अलविदा।